हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 9 का वर्क एंड एनर्जी के आगे के टॉपिक देखेंगे। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कह रहा है कि अ फैमिली यूज 250 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जून। एक फैमिली है जो 250 यूनिट क्या कर रहा है, यूज कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग द मंथ, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जून। तो वो जून में हमको कन्वर्ट करना है किसको, 250 यूनिट को। तो यहाँ पे देखिए, 250 यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स, देखिए जो यूनिट होता है, वन यूनिट इक्वल टू किसी को होता है, वन किलो वाट आवर के इक्वल होता है, वन यूनिट इक्वल टू वन किलो वाट आवर के इक्वल होता है। तो 250 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स 250 किलो वाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि जो यूनिट होता है किलो वाट आवर के इक्वल हो जाएगा। एक किलो वाट आवर ऑफ एनर्जी इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल होता है। एक किलो वाट आवर में 3.6 × 10⁶ जूल होता है, पढ़ चुके हैं। तो 250 किलो वाट आवर ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा, 3.6 × 10⁶ इंटू 250 मल्टीप्लाई कर देंगे 250 जूल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 × 10⁸ जूल आ जाएगा, यानी 250 यूनिट जो होगा एक मंथ में जो जूल में होगा 9 × 10⁸ जूल कंज्यूम करेगा। ठीक है, अभी छोटे छोटे टॉपिक हैं। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, अ मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल मोटर यूज इन द इलेक्ट्रिक फैन, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर वो होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे हो जाएगा कि इलेक्ट्रिकल मोटर, ए मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक जो मोटर यूज होता है, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक मोटर यूज होता है, इलेक्ट्रिक फैंस में, वॉशिंग मशीन में, रेफ्रिजरेटर में, मिक्सर में, ग्राइंडर में, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर यूज होता है जिसका काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन घर में होता है, इलेक्ट्रिक आयरन इसका काम क्या है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक आयरन उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, हीट एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलता है तो उसको किस में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी में। उससे पहले हीट होता है, तो देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी देन हीट एनर्जी देन लाइट एनर्जी। ठीक है, रेडियो, और रेडियो कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। रेडियो में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है तो इसे किसमें कन्वर्ट कर देता है, साउंड एनर्जी। ये भी हो गया। स्टीम एनर्जी, स्टीम इंजन कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। स्टीम एनर्जी का यूज करते हैं स्टीम एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में। कार इंजन, अ कार इंजन कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी ऑफ पेट्रोल इनटू द हीट एनर्जी एंड देन इनटू द काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो कार इंजन होता है उसमें केमिकल एनर्जी, पेट्रोल का केमिकल एनर्जी यूज करके हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और हीट एनर्जी किस में कर देता है, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, अब हम देखें सेल या बैटरी। सेल या बैटरी की एनर्जी क्या होता है, कह रहा है कि सेल या बैटरी क्या होता है, अ सेल कंटेन केमिकल एंड सप्लाइड इलेक्ट्रिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू रन अ वेरियस टाइप ऑफ अप्लायंस। सो सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी, कौन सा एनर्जी, सेल में क्या होता है, केमिकल होता है, तो सेल जो होता है वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सेल का काम क्या होता है, केमिकल एनर्जी से किसमें कन्वर्ट कर देना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब एक गैस स्टोव, जैसे कुकिंग गैस LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज ए बर्न्ड इन अ गैस स्टोव, सो गैस स्टोव कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ कुकिंग गैस इनटू द हीट एनर्जी। गैस स्टोव क्या होता है, केमिकल एनर्जी से किसमें कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी में। तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हीट एनर्जी, इसे क्या हम लोग बोलते हैं, गैस स्टोव। ठीक है, नेक्स्ट सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर क्या कर रहा है, अ सोलर वाटर हीटर ट्रैप्स सनलाइट, क्या ट्रैप करता है, सनलाइट एंड प्रोड्यूस हीट। तो सोलर वाटर
हीटर होता है, सोलर वाटर हीटर ट्रैप सनलाइट एंड प्रोड्यूस हीट, सो दैट सोलर वाटर हीटर कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। मतलब सोलर वाटर हीटर का काम क्या होता है कि लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी में, तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है सोलर सेल। सोलर सेल क्या होता है, और सोलर सेल ट्रैप सनलाइट, सन का जो लाइट है उसको ट्रैप करता है एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकली। सोलर सेल कन्वर्ट लाइट एनर्जी किसमें, लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल का काम क्या होता है, लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये रहा आपका। ठीक है।